बोली बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का जो फर्स्ट लेसन है डिजाइन दी डिजाइन, ठीक है। उसके अंदर आपके गणित की बुक है, उसके अंदर देखिए। अगर बुक नहीं है तो हम आपको यहीं से उसका जो मैटर है वो करवा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर पैटर्न दिए गए हैं कुछ, ठीक है। पैटर्न मतलब कुछ चीजों के अंदर एक क्रम के अनुसार समानता होती है, हम उन्हें पैटर्न कहते हैं। अब इस जो ये हमारे पास आकृतियां दी गई हैं, इसमें भी एक पैटर्न है और वो पैटर्न आपने आगे आगे बढ़ाना है उसको, ठीक है। कैसे है यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर एक त्रिभुज है, गोला है और एक वर्ग है। त्रिभुज, गोला और वर्ग आगे भी है, त्रिभुज, गोला और वर्ग। अब हम इन चीजों को देख रहे हैं कि इनमें समानता क्या है। इन तीनों को देख लिया, ठीक है, हमने इनका ग्रुप बना लिया है। इनके अंदर समानता क्या है? पहले त्रिभुज आती है, फिर सर्कल है और फिर क्या है, वर्ग है। आगे भी वही है, त्रिभुज है, सर्कल है, वर्ग है। तो आगे क्या आएगा, ठीक है। हम इन पैटर्न के आधार पर कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर त्रिभुज आई है, उसके बाद क्या आया है, सर्कल यानी कि वृत्त आया है, और वृत्त के बाद क्या है, ये वृत्त के बाद हमारा एक वर्ग है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गई, फिर त्रिभुज आ गई, फिर क्या आ गया, गोला आ गया, फिर क्या आ गया, वर्ग आ गया। तो इस प्रकार हम इन पैटर्न को सेम पैटर्न है, सेम चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम इनको बढ़ाना है। अब यहां पर देखें, एक वर्ग, सर्कल, सर्कल, वर्ग, सर्कल, सर्कल। तो यहां पर भी ये पैटर्न तीन तीन का पैटर्न जो है वो बन रहा है कि सबसे पहले वर्ग आती है, फिर सर्कल है, फिर सर्कल है, फिर वर्ग आ गया, फिर सर्कल, फिर सर्कल। तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा बताओ आप? यस, आगे आएगा वर्ग, फिर सर्कल, फिर सर्कल। तो ये हमारा पैटर्न, ऐसे हम इसको बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़िया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये पैटर्न इसी प्रकार चलता चलेगा। आगे यहां पर देखते हैं, यहां क्या है, वृत्त है, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज आ गया, वृत्त, सॉरी, वृत्त और त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, ऐसे भी चलता जाएगा। उसके बाद यहां देखते हैं, त्रिभुज, 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 वृत्त, त्रिभुज, 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 वृत्त, यानी कि ये भी चार चार का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि तीन त्रिभुज के बाद एक वृत्त है, आगे तीन त्रिभुज के बाद एक वृत्त है। तो आगे भी क्या आएगा, आगे वही पैटर्न चलेगा कि तीन हम त्रिभुज बना देंगे और एक वृत्त बना देंगे, उसके बाद भी सही यही सेम पैटर्न, त्रिभुज, वृत्त। तो ये हमारा चार चार का आकृतियों का पैटर्न है। देखते हैं नीचे, आयत है, वृत्त है, आयत है, वृत्त है। यहां पर भी ये दो दो का आकृतियों का पैटर्न बना हुआ है। हम इसको आगे इस प्रकार इसको बढ़ा देंगे, एक आयत है, एक वृत्त है, एक आयत है, एक वृत्त है, एक आयत है और एक वृत्त है। इसी प्रकार हम इसको बढ़ाते चलेंगे। अंत में हमारा यहां पर देखो, वृत्त, वृत्त और वर्ग, वृत्त, वृत्त, वर्ग पैटर्न बना हुआ तीन तीन का, हम इसको ऐसे बना देंगे, वृत्त, वृत्त और वर्ग, वृत्त, वृत्त और वर्ग। तो इस प्रकार ये हमारा पैटर्न पूरा होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इनको संख्याओं के अंदर देख लेते हैं कि संख्याओं के अंदर इसको पैटर्न को हम कैसे करेंगे।